जुलाई की सीरीज की शुरुआत हो चुकी है और अब सभी के मन में एक सवाल है कि इस महीने कहां पर पैसा बनेगा, यानी कि इस महीने कौन से सेक्टर के अंदर तेजी बन सकती है और उस सेक्टर के अंदर कौन से ऐसे स्टॉक है जो आपको रैली दिखा सकते हैं, क्योंकि इवेंट भी बहुत बड़ा आने वाला है, चाहे महीने के एंड में हो वो इवेंट है बजट का। यानी कि इस महीने आपको बड़ा ध्यान रखना है, आपको सेक्टर स्पेसिफिक होके चलना है, आपको उन शेयरों को चुनने की कोशिश करनी है जो इस समय सेक्टर तेजी में दिख रहा है, इस महीने के हिसाब से आप कह सकते हैं उसके अंदर तेजी बन सकती है। तो उसमें जो मैं आज आपके साथ सेक्टर लेके आया हूँ, मुझे लगता है ये सेक्टर आपको बड़ी तेजी दिखा सकता है इस सीरीज के अंदर, और खासकर इसके अंदर जो पीएसयू स्टॉक्स हैं उनके अंदर बहुत बड़ी रैली बन सकती है। उसमें सबसे बड़ा कारण है बजट और मुझे दूसरा कारण लगता है सेक्टर रोटेशन, क्योंकि फरवरी के बाद से देखें तो इस सेक्टर के स्टॉक्स ने कुछ खास ऐसा रिटर्न नहीं बनाकर दिया है और मुझे लगता है लंबा कंसोलिडेशन इन स्टॉक के अंदर, इस सेक्टर के अंदर अब खत्म हो रहा है और अब यहां से एक नई रैली दिखा सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं ऐसा कौन सा सेक्टर है जो इस महीने आपको अच्छा खासा रिटर्न बनाकर दे सकता है जुलाई सीरीज में, और कौन कौन से शेयर इसमें हमें नजर यहां पर बनाकर रखनी है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं विपिंजन, फाउंडर ऑफ लर्न इक्विटी विद विपिंजन। फ्रेंड्स, अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करने के लिए, इन्वेस्टिंग करने के लिए डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर दिए गए लिंक के माध्यम से आप स्टॉक के साथ डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको सेक्टर का नाम बता देता हूँ जिस सेक्टर के अंदर इस महीने तेजी बनती दिख रही है, उस सेक्टर का नाम है पावर सेक्टर। सबसे बड़ा कारण तो मुझे लगता है तेजी का जो इस महीने बन सकता है वो है इस सेक्टर के अंदर जो है बजट में पॉजिटिव अनाउंसमेंट, ये आप कह सकते हैं बिग अनाउंसमेंट। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने पिछले बजटों में यहां पर जो है पावर सेक्टर पर फोकस कराया, पावर सेक्टर के लिए बड़े बड़े टारगेट सेट किए हैं, मुझे लगता है वो कैपेक्स अभी भी जारी रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट मुझे लगता है रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर, सोलर पर विशेष रूप से फोकस करेगी और उससे रिलेटेड आपको काफी सारी पॉलिसीज ग्राउंड पर उतरती हुई दिख सकती हैं। और देखें तो सभी सरकारी कंपनियां सोलर सेक्टर के अंदर विशेष रूप से फोकस कर रही हैं और साथ ही साथ रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर पर काफी बड़ा फोकस उन कंपनियों का है। मैं आपको उन कंपनियों का भी नाम बताऊंगा जिन कंपनियों को इसका सीधा सीधा यहां पर बेनिफिट दिख रहा है। दूसरा मुझे सबसे बड़ा कारण यहां पर जो लगता है इस महीने जो पावर सेक्टर के अंदर तेजी दिख सकती है वो है सेक्टर रोटेशन। जी हाँ, इंडेक्स ने तो बहुत बड़ी तेजी दिखाई है जून सीरीज के अंदर, पर ऐसी तेजी अगर आप सोच रहे हैं कि जुलाई में भी इतनी बड़ी तेजी आएगी तो शायद आप गलत साबित हो सकते हैं, पर ऐसा नहीं है। बाजार का टॉप बन गया है, बाजार स्मार्ट हो गया है, मुझे लगता है बाजार अब सेक्टर रोटेशन में पैसा कमा रहा है। अब सेक्टर रोटेशन में पावर सेक्टर का नंबर आपको आता हुआ दिख सकता है, ऐसा कहने के पीछे आप कारण समझिएगा जरा। अगर आप 31 मई यानी कि 31 मई या 1 जून के आसपास देखें तो NHPC का स्टॉक 107 रुपए के पास क्लोज हुआ था और आज 100 रुपए के आसपास है जुलाई सीरीज के शुरुआत में, यानी कि स्टॉक 7% घटा है जुलाई के अंदर, जून सीरीज के अंदर। ऐसे ही परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो SJVN के स्टॉक ने दिखाई है, 140 रुपए के आसपास ये स्टॉक था 31 मई या 1 जून के आसपास और अब 132 रुपए पे, इसके अंदर भी 5% की गिरावट आपको देखने को मिली है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली ये दिग्गज कंपनी, 493 रुपए के आसपास थी और लगभग 485 रुपए के पास आज का भाव है, यानी कि इस स्टॉक ने भी कुछ भी परफॉर्मेंस नहीं दी है, ओवरऑल नेगेटिव परफॉर्मेंस दी है जून सीरीज के अंदर, और जबकि आप देखिए जून सीरीज के अंदर इंडेक्स ने कितनी बड़ी तेजी दिखाई है। यानी कि सेक्टर रोटेशन आपको होती हुई दिख सकती है और ये आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि पावर सेक्टर के अंदर तेजी आएगी, उस तेजी के लीडर कौन होंगे, पीएसयू स्टॉक्स होंगे, क्योंकि सबसे बड़ा कैपेक्स किनके पास है, पीएसयू स्टॉक्स के पास है, और सबसे बड़े पॉलिसी के कौन बेनिफिशियरी है, पीएसयू स्टॉक्स है, यानी कि कैपेक्स भी इनके पास है, बेनिफिशियरी भी स्कीम्स के ये है और इन कंपनियों के पास काफी बड़ा फ्यूचर आउटलुक है, यानी कि लॉन्ग टर्म के लिए तो पॉजिटिव है ही, पर जुलाई सीरीज इनके लिए पॉजिटिव होती दिख रही है सेक्टर रोटेशन की वजह से, बजट के अंदर अनाउंसमेंट की वजह से, बिग अनाउंसमेंट की वजह से, तो जिसका इनको सीधा सीधा फायदा मिलता दिख रहा है, और ऊपर से पिछले महीने में इन्होंने कोई खास परफॉर्मेंस ऐसी नहीं दी है। और चौथा अगर देखें तो इनके वैल्यूएशन में आज भी कंफर्ट है, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी अगर आज भी आप देखें तो अपने वैल्यूएशन के हिसाब से वो कंपनी आज भी महंगी नहीं है, चाहे आप पीई के हिसाब से देखें चाहे आप बुक वैल्यू के हिसाब से देखें। यानी कि बजट पर आपको विशेष रूप से फोकस करना है और मुझे लगता है बाजार कहीं ना कहीं इस चीज को पहले ही भाप लेगा कि बजट के अंदर जो अनाउंसमेंट होंगे पावर सेक्टर को लेकर बिग अनाउंसमेंट होंगे और उस कारण आपको इनमें पहले ही तेजी दिखनी स्टार्ट हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं कौन से ऐसे स्टॉक है जिनके अंदर फायदा होगा, जिनको सबसे ज्यादा फायदा होगा, जिनके अंदर तेजी देखने को मिल सकती है। सबसे पहला जो स्टॉक है सीरीज के अंदर मुझे लगता है NHPC के स्टॉक है। NHPC के स्टॉक पर आपको फोकस रखना चाहिए, ये स्टॉक एक लंबे कंसोलिडेशन में चल रहा है,
अगर आप देखें तो फरवरी से अब तक इस स्टॉक ने कुछ खास ऐसी परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है जिसके कारण हम इसको मल्टीबैगर स्टॉक कहें। यानी कि ये स्टॉक भी अच्छा खासा दमखम दिखा सकता है। एक तो जैसा मैंने आपको बताया बजट में अनाउंसमेंट के कारण हाइड्रो सेक्टर के अंदर ये लीडर कंपनी है, सोलर सेक्टर के अंदर कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है, हाइड्रो का एक्सपेंशन कर रही है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर इस कंपनी का विशेष रूप से फोकस है और उसके लिए कंपनी बिगेस्ट बेनिफिशियरी दिखती है। हाइड्रो सेक्टर के अंदर ये लीडर कंपनी है, सोलर सेक्टर के अंदर कंपनी लगातार एक्सपेंशन कर रही है, हाइड्रो का एक्सपेंशन कर रही है, यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर इस कंपनी का विशेष रूप से फोकस है और उसके लिए कंपनी बिगेस्ट बेनिफिशियरी दिखती है। वैल्यूएशन के लिहाज से भी कंपनी कोई खास महंगी नहीं दिखती, अपनी बुक वैल्यू के हिसाब से लगभग 2.5 के मल्टीपल पर ये कंपनी ट्रेड कर रही है। ये भी कंपनी देखा जाए तो इस महीने के अंदर आपको यहाँ से अगर 20% तक की भी तेजी दिखा दे तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इस कंपनी के अंदर आज भी वैल्यूएशन के हिसाब से दम है, ये 20-30% की रैली किसी भी सीरीज में आपको दिखा सकती है। दूसरी जो हमारी कंपनी है वो है SJVN, सतलुज जल विकास निगम लिमिटेड। SJVN एक मल्टीबैगर स्टॉक रहा है पिछले साल के मुकाबले भी देखें, पर काफी दिनों से एक स्टॉक ठंडा है, पर ये रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के अंदर कंपनी काफी बड़ा रोल प्ले कर रही है। इस कंपनी के पास काफी बड़ा कैपेक्स है, REIA का मेंबर बन चुका है जिसके कारण इसकी अर्निंग में भी सुधार देखने को मिलेगा और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड जो भी पॉलिसी बन रही है वो इस कंपनी को सीधा सीधा टच करके निकलती है, यानी कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज का इस कंपनी को भी सीधा सीधा फायदा हो रहा है। और ये कंपनी भी अगर देखा जाए तो अपने करंट प्राइस से 15-20% का रिटर्न बनाकर दे सकती है। तीसरी जो हमारी कंपनी है उस कंपनी का नाम है NLC इंडिया। बेहद दमदार कंपनी है, बैकवर्ड इंटीग्रेटेड कंपनी है। ये कंपनी जो है लिग्नाइट बेस्ड प्लांट तो चलाती है और इस कंपनी के पास सोलर के भी काफी सारे प्लांट हैं, काफी बड़े एक्सपेंशन प्लान है और इस कंपनी को भी बिगेस्ट बेनिफिशियरी माना जा रहा है गवर्नमेंट की पॉलिसीज का। वैल्यूएशन के लिहाज से भी कंफर्ट है, शेयर के अंदर काफी समय से काफी बड़ी तेजी देखने को नहीं मिली है, मुझे लगता है ये कंपनी भी अब लोअर लेवल से तेजी दिखाने को खड़ी हो रही है और ये यहाँ से आपको कभी भी 10-15-20% का मूव दिखा सकती है। करंट भाव पर भी अगर हम देखें वैसे तो इस महीने के अंदर इस कंपनी ने लोअर लेवल से लगभग 15% की रिकवरी तो अभी भी दिखा दी है और मुझे लगता है और जुलाई सीरीज के अंदर ये कंपनी आपको अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिखा सकती है अगर इस कंपनी इस सेक्टर के लिए पॉजिटिव न्यूज आती है। चौथी जो हमारी कंपनी है वो है पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली कंपनी पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन, हमारी ऑल टाइम फेवरेट। ये कंपनी ठंडी रही है, अगर हम ओवरऑल देखें जून सीरीज के अंदर पावर सेक्टर के फाइनेंस करने वाली ये बिगेस्ट बेनिफिशियरी कंपनी, पावर सेक्टर के कैपेक्स की बिगेस्ट बेनिफिशियरी कंपनी और ये कंपनी वैल्यूएशन के लिहाज से भी सस्ती है, REC का प्रमोटर है, मैंने ये सब चीजें आपको रेगुलर बताई हैं, पर इस कंपनी के अंदर तेजी का कारण दिखता है सेक्टर को इस कंपनी को लेकर पॉजिटिव आउटलुक और सेक्टर के अंदर पॉजिटिव ग्रोथ, यानी कि PFC भी देखते हैं तो अगर पावर सेक्टर की कंपनी के अंदर तेजी बनेगी तो पावर सेक्टर को फाइनेंस करने वाली ये कंपनी भी आपको तेजी दिखा सकती है और इस तेजी में ये कंपनी अगर इस सीरीज के अंदर 10-15% का भी मूव दिखा दे तो उस कारण आपको अचंबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कंपनी वैल्यूएशन डिजर्व करती है, ये वैल्यूएशन डिजर्व करती है कि यहाँ से इस कंपनी की रीरेटिंग हो। पांचवी जो हमारी कंपनी दिखती है हमें वो है PTC इंडिया। PTC इंडिया भी एक बिगेस्ट बेनिफिशियरी है, अगर पावर सेक्टर के अंदर कैपेक्स हो रहा है तो इस कंपनी को भी अपना नेटवर्क एक्सपेंशन करना है भारत के अंदर बिजली डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, पावर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, और मुझे लगता है इस कंपनी को भी सीधा सीधा फायदा हो रहा है पावर सेक्टर के कैपेक्स का और ये कंपनी भी देखा जाए तो एक रीरेटिंग का स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं अगर पावर सेक्टर के अंदर पावर मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों में तेजी आएगी, पावर फाइनेंसिंग करने वाली कंपनियों को तेजी आएगी तो पावर ट्रेडिंग करने वाली कंपनी के अंदर तेजी क्यों नहीं आ सकती। यानी कि PTC इंडिया फाइनेंस भी इस सीरीज के अंदर आपको 10-15% का रिटर्न बनाकर देने का दमखम रखता है अगर पावर सेक्टर के अंदर पॉजिटिव आउटलुक बना रहे इस सीरीज के अंदर, यानी कि पॉजिटिव न्यूज आती रहे। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात करेंगे एक नई वीडियो के साथ, फिलहाल के लिए नमस्कार।